कठोर पत्थर में पानी की धार को कैसे पकड़े, इसी टॉपिक में आज हम वीडियो बना रहे हैं। बहुत से साथी हमारे पूछते हैं कि हमारा एरिया एकदम से ड्राई है, बहुत ही कठोर चट्टान है वहाँ और धूल ही धूल उड़ जाती है, तो उस परिस्थिति में हम पानी की धार को कैसे पकड़ें, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आज आप लोगों से करूँगा, भाई हमारे चैनल में लाखों की संख्या में व्यूज आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप लोग वीडियो के नीचे में जो रेड कलर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब करें तो उसको आप लोग क्लिक कर दीजिए, उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन का जो दिया हुआ है निशान इसको दबा दें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच सके। हाँ, मेरे चैनल का नाम है किसान का बोर, KISANKABOR। आप लोग इस चैनल में पूरा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। कठोर पत्थर में पानी की जांच कैसे करें, पानी की धार को कैसे पकड़ें, आज इसी पर हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे, तो चलिए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए भाई देखिए, ये पोजीशन है, यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई हलचल नहीं है, ना बाहर जा रही है ना अंदर जा रही है, इसका मतलब यही है कि यहाँ पर नमी है, नहीं तो हाथ में लगाते टच करते ही बाहर जाती है, ऐसा नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ नमी है अंदर में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि आगे की पोजीशन क्या है। तो चलिए भाई देखिए, नारियल जस की तस रखी हुई है, देखो कोई इसमें बदलाव नहीं आ रहा है, बदलाव नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पर नमी है, और आगे जाएंगे तो क्या सिचुएशन आती है वो देखते हैं। देखो भाई ये यहाँ नीचे कठोर है लेकिन ऊपर का कुछ हिस्सा है जहाँ नमी है, जैसे कि 20-25 फीट में यहाँ पर नमी है, कठोर नीचे है लेकिन ऊपर नमी है, तो देख लीजिए। हमारे बहुत से साथी बोलते हैं कि ऊपर में पानी लगता है और नीचे में पानी नहीं लगता, 10 मिनट चलता है और उसके बाद बंद हो जाता है, 4-5 घंटे बाद फिर 10 मिनट चलता है, तो यही पोजीशन है, ऊपर में पानी है ऊपरी हिस्सा में, नीचे के हिस्सा में कुछ भी नहीं है। तो देखिए ये यही सिचुएशन है फैल और पास होने का। अब इधर चलते हैं, कठोर है, कठोर है लेकिन हमारी नारियल, देखो नारियल में सिचुएशन बदल गई है, यहाँ पर आप शुरू देखिए, हम खड़े हो रहे हैं, नारियल खड़ी हो जा रही है, देखो भाई देख लीजिए नारियल की पोजीशन देख लीजिए, ऑटोमेटिक हलचल, हम खड़े हैं उसके बावजूद भी हलचल होना शुरू हो गई है, देखिए अपनी पोजीशन बदल ली, तो यहाँ पर पानी है। हम आगे इस पर और चर्चा करेंगे, चलो इसी खेत में रहेंगे आज। देखिए यहाँ भी पानी है, वहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है, तो इसका मतलब क्या खेत भर पानी है? नहीं। चलिए हम आपको और बताते हैं आगे, वो छूट गया। अब इधर ड्राई आ रही है, इसका मतलब यही है कि पानी हमारा पिछले कदम में है, पानी इधर कठोर है और यहाँ पर पानी हमको मिला, यहाँ पर पानी हमको मिला और पीछे में नमी बता रहा था, तो इसका मतलब यही है पानी की धार पतली है इस जगह में, पतली है लेकिन आगे जाकर वो फैल गई है, वो धार सीपेज में बदल गई है, कंटिन्यू धार आगे नहीं बढ़ी है। अगर धार बढ़ी होती तो पिछले जहाँ हम लोग स्टार्ट किए वहीं से पूरा वो धार बताता, लेकिन यहाँ धार नहीं बताई है, तो इसका कारण यही कि पानी धार के रूप में आई है, पतली धार के रूप में, इतनी ज़्यादा विशेष नहीं क्योंकि यहाँ फैली हुई है, अगर ये बहुत मोटी आती तो इसका पोजीशन खड़े होने का अंदाज कुछ अलग रहा था, तो ये पानी फैली हुई है, फैली पानी। तो हमारे पानी जांच करने वाले भाई क्या करते हैं, उसको स्टार्टिंग में जहाँ नमी बताया हल्का हल्का वो वहीं पर पॉइंट दे देते, तो हमारा रियल पॉइंट कहाँ है जहाँ कम से कम 5 फीट का डिफरेंस है, यहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर रियल
धार है, लेकिन उसके 10 कदम पीछे में धार नहीं है, केवल नमी है। तो नमी बता देता है, और वही नमी की जगह में आप पॉइंट लगाओगे तो पानी पहले क्या होगा, बोर्डलिंग करोगे तो पहले पानी निकलेगा। लेकिन जब आप मोटर डालोगे तो 1 घंटा 2 घंटा चलेगा पहले में, या उसके बाद भी बंद हो जाएगा, 10-15 मिनट चलेगा फिर बंद हो जाएगा। तो यही पोजीशन है, तो हम रियल धार तक नहीं पहुंच पाते। तो चलिए देखते हैं यहाँ से धार किस दिशा में। आप हमारे लेफ्ट दिशा में तो धार नहीं है, तो हमें कहाँ जाना है, तो राइट दिशा में जाना है। चलो ये भाई, ये यहाँ पर सिचुएशन बदल रही है, इधर धार तेज है, अब इधर ड्राई है। देखो इस कदम में ड्राई है, अब इस कदम में ये पानी की धार है, ये तो हमें इधर जाना है। देखो भाई, आप बहुत लंबी दूर तक भी पानी की जांच कर सकते हो कि पानी की धार किधर है उसको। ये देखिए, इस कदम में नहीं है, ये इधर जा रहा हूँ तो पूरा ये ड्राई आ रहा है, तो इधर आ रहा हूँ तो ये पानी की धार बता रही है। देखो इधर जा रहा हूँ तो इधर भी ड्राई, तो इसको देख लो भाई, ये है पानी की रियल सिचुएशन, ये है पानी की रियल सिचुएशन। ये बाजू हटा नहीं है, यहाँ आया तो मिल गया, अब इधर जा रहा हूँ तो इधर कुछ नहीं है, इधर आ रहा हूँ। देखो ये पानी एक एक कदम है, थोड़ा दूर जाके पूरा पोजीशन लेना भाई। ये देखो यहाँ पर पानी बता रहा है, यहाँ पर एक कदम में नहीं है, यहाँ पर है, अब इधर फिर ड्राई है। तो देखो कितने में अंतर आ जाता है। देखो ये अब इधर आ रहा हूँ तो कुछ नहीं है। चलो भाई ऐसे चलते हैं, देखो एक कदम में इधर पानी है, देखो यहाँ पर पानी है, इधर फिर ड्राई, देखो हाँ यहाँ पर पानी है, देखो यहाँ इधर, देखो पीछे कदम में पानी है, और इधर 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 मुड़ गई, देखो पानी इधर कुछ नहीं है, इधर ये वाला हिस्सा में है पानी, ये इस वाले पोजीशन में पानी है, अब इधर ड्राई है। देखो तो क्या है, ड्राई जहाँ इधर रहता है ना पानी एकदम पतली से गुजरी रहती है, पतली धार रहती है, तो इसको पकड़ना बहुत ही टफ कार्य होता है, तो इसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो हमें पानी की धार जिधर से आ रही है हमको उसके दोनों तरफ से चलना पड़ता है। अभी क्या होगा, हम एक ही जगह से चलेंगे तो पानी की धार पकड़ में नहीं आएगी, जैसे कि एक ही साइड चलेंगे तो हम भटक जाएंगे, हमें दोनों तरफ चलना पड़ता है। चलो भाई नीचे से ऊपर दिखाओ भाई पूरा, ये इस तरफ आई है पानी की धार, हाँ यहाँ पर है, यहाँ पर कम हो गई, इधर ड्राई है। देखो एक एक कदम में अंतर पड़ता है, यहाँ पर पानी ऐसी आई है लेकिन इधर नहीं बढ़ी है, इस साइड में नहीं बढ़ी है, पानी इधर बढ़ गई है, देखो इधर कट गई है, ये पानी, ये इधर कुछ नहीं है भाई, ये देखो ये पूरा ड्राई है, अब इधर पीछे में है तो इसका मतलब कहाँ पर है पानी, इसको देखना है। ये पानी देखो कैसे मुड़ रहा है, थोड़ी सी जगह में पानी की धार मुड़ गई है, सीधी नहीं गई है, और हमारे पानी जांच करने वाले भाई लोग आमतौर पर कह देते हैं कि सीधी गई है, इधर से निकल कर उधर चली गई, तो ऐसा नहीं होता, पतली धार है जो कहीं पर भी मुड़ जाती है, वो मोटी धार होती है ना तो एक बार चलो दूर दूर तक जाती है, कई किलोमीटर लंबी रहती है वो, लेकिन पतली धार कहाँ से कट कर आई है, कहाँ से जुड़ी है, इसको परखना बहुत टफ कार्य है। ये देखो इधर स्लो हो गई है एक ही कदम में, तो इधर किसका धार कहाँ पर है देखते हैं, हाँ यहाँ पर है, ये यहाँ पर धार दो भागों में बढ़ गई है, ये धार ऐसी आई है ऐसे मुड़ गई है, और यही धार इस तरफ से कट गई है, दो भागों में कटी है, तो हमें इधर कम है, इस साइड में अपने राइट साइड में कम है, और ये जो लेफ्ट साइड है वहाँ थोड़ा ज़्यादा है, तो हम लोग चलते हैं भाई इसी में। ये बता रहा है, देखो ये ऑटोमेटिक ये अपना नारियल खड़ा हो रहा है, देखो तो अब इधर चलते हैं भाई, चलो ये और आगे बढ़ते हैं तो नहीं है, पीछे हटते हैं तो है, और इससे और पीछे हटते हैं तो कुछ नहीं, ड्राई है, और यहाँ पर आते हैं तो ये नारियल बता रहा है पानी, तो फिर आगे इधर चलते हैं। देखो एकदम बारीकी से बता रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं बताएगा, देखो ये यहाँ पर है, आगे ड्राई है, तो कठोर पत्थर में पानी एकदम सीधी नहीं रहती है, मुड़ी मुड़ी रहती है, कहाँ से मुड़ जाए उसको कोई नहीं जाता, इसको बहुत बारीकी से देखना पड़ता है। ये यहाँ पर है, या इस कदम में तो है पानी, लेकिन उसके आगे कदम में है कि नहीं है उसको देखते हैं। चलो भाई
ये यहाँ पर फैली हुई। देखो फिर हमारे एक साथी ने कमेंट किया था कि सर चौखड़ी वाले धार कैसी होती है, वहाँ की पोजीशन क्या होती है, तो मैं दिखा रहा हूँ भाई। ये चौखड़ी वाली धार है, देखो ये पानी, ये तो ये चौखड़ी वाली धार यही होता है कि वहाँ पर पानी फैल गई होती है। तो हमारे पानी जांच करने वाले भाई यही बता देंगे कि यहाँ पर बहुत भयंकर धार है। तो यह ऐसा नहीं है, धार एक ही आई है, पतली आई है, लेकिन यहाँ पर से जो ऐसा नशर आगे कुछ गड्ढा होगा नीचे में तो वो फैल गई है, ये है। तो इधर और चलते हैं भाई, देखो ये वहाँ पर फैली बता इधर, लेकिन इधर नहीं बता रही है। देखो यहाँ पर नहीं, इधर ड्राई है, इधर ड्राई है, इधर भी ड्राई है। हाँ ये पानी इधर से आई और मुड़ गई है, और जहाँ से मुड़ी है वहाँ पर चौड़ा है। ठीक, तो ये चलते हैं फिर। ये देखो ये बता रहा है इधर, अब इधर क्या बताता है, इधर ड्राई है, ये बाहर बहुत ड्राई बता रहा है इधर। हाँ ये पानी बताया, फिर देखते हैं क्या पोजीशन है, इधर ड्राई है, पानी इधर बता रहा है, इधर पानी, पानी की धार इस साइड बता रही है। अब इधर क्या पोजीशन है, देखो एक एक कदम में अंतर आता है, मैं बहुत बारीकी से बताता हूँ यार। देखो ये इधर ड्राई है, पानी की धार इधर है, पतली धार बहुत कम जगह में भी बहुत ज़्यादा मुड़ी होती है। देखो ये इधर इधर इधर, यहाँ पर नमी, हाँ ये एक चीज़ और बता रहा हूँ, यहाँ पर नमी है, देखो बहुत से नीचे में बहुत जगह नमी है, ये नमी वाली सिचुएशन आ गई है यहाँ पर, यहाँ धार फैली हुई है। तो इसी को क्या बोल देंगे पानी जांच करने वाले, सात धार है, आठ धार है, चौतरफा धार है, सभी तरफ से पानी की आवक बोल देगा, लेकिन रियल देख लो यहाँ पर पानी की कोई धार नहीं है, धार आई है सब फैल गई है, कंटिन्यू धार नहीं है। देख लो भाई कंपन को, ये देख लो ऑटोमेटिक हो रहा है यार, मैं कुछ जादू टोना नहीं कर रहा हूँ। कई लोग बोलते हैं तंत्र मंत्र पढ़ते हो क्या, ऐसा कुछ नहीं सीखा है, केवल पानी जांच करना सीखा, देख लो भाई। तो चलो और आगे बढ़ते हैं, इसको इस पोजीशन को छोड़ देते हैं। ये ड्राई, हाँ यहाँ पर है धार, धार यहाँ पर है, और वहाँ पर धार पीछे कदम में फैल गई है, तो ये है धार, ये तो हम इधर जाएंगे, धार हमारा इधर, यहाँ पर ड्राई है, और इधर चलते हैं, ये धार है, यहाँ पर दर्द आ रही है हाथ में बहुत जल्दी जल्दी, और पानी नारियल स्पीड ले रही है। इसका मतलब यह है हमारे जब जहाँ तक जांच करते आए हैं वहाँ तक पानी कम था, लेकिन इधर पानी का फोर्स बढ़ रहा है। देखो इधर यहाँ पर ये देख लो भाई, ये हाँ, तो पानी की फोर्स इधर बढ़ रही है। तो इसका कारण क्या है, धार एक ही है उधर, अब इधर कैसे स्पीड ज़्यादा बता रही है, तो ये भी बता रहा हूँ, सुनिए। हम दो खेत घूम चुके हैं, वहाँ तक तो स्पीड कम बता रही है, लेकिन इधर आगे बढ़ रहे हैं तो स्पीड ज़्यादा बता रही है। इसका कारण है कि इस धार में कोई और धार आकर यहाँ मिली हुई है, और यहीं से कहीं और दिशा में एक धार निकल गई है, तो उसको भी ढूंढते हैं। चलिए भाई, हाँ ये इधर, ये देखो ये इस कदम में इधर स्लो है। ठीक, अब इसी को मैं दूसरे तरफ से आके दिखाता हूँ क्या पोजीशन है। ये एक धार इधर से आई है, अब एक धार उधर से आई है, एक धार इधर से आई है, एक धार उधर से आई है, इसलिए दोनों धार का संगम यहाँ पर हो रहा है, ये इसीलिए स्पीड यहाँ पर देखना ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर पैर देखो, पैर रखते ही खड़ा हो जा रहा है। देखो भाई ये पोजीशन मैं दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पैर रखते ही खड़ा हो जा रहा है नारियल। अब इसी को हम कंपन के रूप में लेते हैं, देखो अब क्या होगा, अब यहाँ पर तो कुछ लकड़ी वकड़ी नहीं है, तो मैं बैठ के दिखाता हूँ आपको, देखना भाई। यहाँ पर जहाँ पर हूँ वहाँ ड्राई है, फैला हुआ है, और ये मेरे आगे वाले हिस्से में पानी है। तो यहाँ पर हम किसी, चलो इसको रख लेते हैं, गड़ा लेते हैं यहाँ पर पहले, क्या पानी हमको बताएगा इसमें, इस घास में क्या पानी बताएगा, इसको भी हम चेक करते हैं। ठीक, इसको अच्छे से गड़ा दिए, देखना
कोई मूवमेंट नहीं है, ड्राई है, थोड़ा सा नमी है यहाँ पर। अब इसको टच करेंगे, ये देखो भाई, ये अब इसे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अपन, जहाँ पर दो धार का संगम है वहाँ क्या कैसा उड़ता है नारियल, इसको देखना। ये यहाँ पर स्पीड, यहाँ पर स्पीड देखो, ये यहाँ पर एक इसको भी रख देते हैं, देखो अब देखना। ये ऐसा नहीं कि मैं एकदम से हाथ को ऐसे रखूं तभी बताएगा, ऐसा नहीं कि एकदम से ऐसे पैर को रखूंगा तभी बताएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपके शरीर में पानी बता रहा है तो एक छोटे से तिनके में भी पानी बताएगा। चलो देख देते हैं एक बार और, ये हाँ दोनों एक तरफ हाथ देखना इसको, अब एक तरफ नारियल देखना, ये बताया, ये दूर से देखो, ये देख लो भाई, बार बार देख लो यार, फिर तरह तरह के क्वेश्चन करते हो, देखो ये हो गया ना। ये है पानी का सेंटर पॉइंट, यहाँ पर दो धार आई है, तो पानी जांच करने वाले को इसी तरह से जांच करना पड़ता है तभी रिजल्ट सक्सेस जाती है। नहीं तो क्या होता, हम पिछले धार में पानी बता देते भैया यहाँ पर धार का निकलेगा, आपका पानी निकलेगा, 2 HP का चल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी खेत में देखो दो धार का संगम हो गई, हालांकि दोनों तरफ से धार जो आई है पतली पतली है, लेकिन यहाँ आने के बाद धार फैल गई, चारों तरफ फैल गई और एक धार पीछे निकली है, एक धार साइड से निकल गई है। लेकिन कम्बिनेशन जहाँ पर हुआ है वहाँ दो धार का कम्बिनेशन हुआ है, इसलिए यहाँ पर पानी ज़्यादा है। तो भाई आप लोगों को इसी तरह से कठोर पत्थर वाले एरिया में पानी जांच करना है, बहुत बारीकी से करोगे तब हाथ आएगी, नहीं तो धूल ही उड़ेगा। तो भाई हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। हाँ, किसी भी प्रकार की अगर कोई क्वेश्चन करना है या कोई सहयोग चाहिए तो भाई आप लोग रात्रि में 8 बजे से 9 बजे के बीच मुझे फ़ोन कर सकते हैं, इस बीच में मैं अधिक से अधिक लोगों का फ़ोन उठाने का प्रयास करूंगा। हाँ दी, मैं आप लोग यार दिन भर फ़ोन लगाते हो तो ऐसे मत करना भाई, दिन में मुझे काम करना पड़ता है, पानी जांच करने जाना पड़ता है, तरह तरह का काम होता है, तो 1 घंटा आप लोगों के नाम समर्पित रहेगा शाम को 8 से 9 बजे के बीच में। और अगर मोबाइल नहीं उठा पाया, फ़ोन नहीं उठा पाया, तो आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, ठीक भाई। तो हम फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सॉरी भाई को इजाज़त दीजिए, जय जोहार।